इसके बाद
हमारी बड़ी मेहनत लगती है प्रतिवेदन तैयार करने में और इसको भी तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। सबसे ज्यादा मेहनत लगी है दिमाग की, आखिर किया क्या जाए, ताकि कोई भी चीज हम यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में टीचिंग कराने का। तो ये एक मैप पे हम लोगों ने तैयार किया है, ये हम लोगों का प्रतिवेदन है, ये स्वाति नाम के द्वारा बनाया गया है, ये हमारी पूरी टीम है। इससे पहले हम लोग एक ट्रेनिंग ले चुके हैं और उस ट्रेनिंग के दौरान हम सब मिले थे हमारे साथी और हमारे ग्रुप का नाम कलाम ग्रुप था, जिसको लेकर हम लोग जो भी दिमाग में आता है वो सोच के बना गए और कल की ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। आदरणीय कल्याण सर, आदरणीय मनीष सर, अमृता मैम और विकास सर, इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया, उसी को दिमाग में रख लीजिए कि तैयार की गई है। ये बिल्कुल जैसे हम लोग फिट होती है ना, बिल्कुल वही है, इसमें वही ट्रांसपेरेंसी भी है जो शासन ने दिखाई है, वही है वही नंबर सारे के सारे, लॉक भी लगा हुआ है। हम इसको ओके करेंगे और धीरे धीरे आपको बताएंगे आखिर क्या हुआ। पिछली बार हम लोगों ने चलाई से बताया था, इस बार हम आपको मूल रूप में बताएंगे आखिर कल क्या क्या हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ये माँ सरस्वती की वाणियन जो उनके पास हमेशा रहता है, तो माता की वंदना से शुरुआत होती है हमेशा सदन की, जिसको सुनीता मैम संगीता बगले मैम और स्नेहा तिवारी मैम के द्वारा एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई, जो काफ़ी मोहक मनमोहक अच्छी लगने वाली और सभी लोगों के साथ में अलग तरीके से गाए। आगे चलते हैं, क्या करना चाहिए जब कोई टीचिंग होती है या फिर कोई ट्रेनिंग होती है जोश लाने के लिए। हम लोग कई बार उदास में आते हैं, 10 से 5 बहुत लंबा समय है, तो फिर हमें प्रेरणा भी करना होता है, यही अपने बच्चों का कोई करता और कहानी के तौर पर करते हैं, वो भी प्रेरणा है, तो उसमें भी जोश जागता है, वो भी आते हैं, अरे यार वही फिर सीखेंगे 1 2 3 पहाड़े गिनती, तो एक प्रेरणा की जो कि मेरे द्वारा गाया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो ये आ गया कटोरी में, सब कुछ आपको मुहूर्त में दिखेगा, समोसा। हाँ ये समोसा, मतलब हर चीज मुहूर्त में दिखेगी आपको, ये समोसा आपके प्लेट तक आया था और आपने बढ़िया खाया, तब थोड़ा बहुत जोश लगा प्रेरणा गीत के बाद, ये भी आया तो लगा हाँ चाय पानी अंदर और समोसा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, खेल शुरू होता है मुद्राओं से। मैं खेल मुद्रा बताया गया भाई, खेल मुद्राओं के बारे में, फिर अचानक बैठे थे पूछ लिया बताओ 100 के नोट कितने हैं, 50 के कितने हैं, अब क्या देखे हुए लोग गिरे हुए तो रखो, खिलाते तो सब हैं, हकीकत है खिलाते, हम भी चेक के निकाल के रखे, देखो एक का है, दो का है, तीन का है, तुम्हारे पास 5 है, तुम्हारे पास 4 है, गिने नहीं कभी, अब लेकिन गिनेंगे हम लोग जाके। तो ये पूछने लगे 10 का कितना है, 5 का पूछा, ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा, 100 का पूछा, 1 का पूछा, 2 का पूछा, फिर ये भी कहा सबको चाहिए, वो तो ये लिखा है इसमें सबको चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए, अच्छा लगता है। तो ये मुद्रा का खेल था जो कि मनीषा के द्वारा बताया गया कि कौन कौन सी मुद्राएं हमारे यहाँ हैं और कितनी है, ये सारी जानकारी हुई। इसके बाद क्या हुआ, विकास सर बोले फिर बताओ भाई मुद्रा का की करते बताए किसके पास ज्यादा मुद्रा है, पॉकेट से पैसे निकलवा लिए, पॉकेट से पैसे निकलवा लिए, पॉकेट से पैसे निकलवा लिए, किससे पैकेट से पैसे निकलवा लिए, ये पूरे 500 के इसमें 10 नोट आपने बताया, 200 के 2 थे, 100 का था, 50 का भी, ये सारे नोट हैं। अब भैया हुआ क्या, सब खुश थे, बहुत खुश थे, सारे के सारे लोग इस प्रकार से खुश थे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इस प्रकार से गिनती लगभग कितने लोगों ने लिखी, तो हमें लगता अधिकांश लोगों ने इस प्रकार से गिनती लिखी है, देखिए इस प्रकार से गिनती लिखने वाले कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं। अब एक सामान्य सा प्रश्न है, नॉर्मली सर जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उन बच्चों से जैसे हम पूछते हैं आगे या पीछे वाली संख्या,
तो उसे कहेंगे जैसे चार के आगे क्या आ जाता, तो वो नीचे वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं सर। इस तरीके से लिखी होगी तो वो आगे और पीछे बता सकते हैं। अनुवर्ती पूर्व वर्ती, हाँ हाँ अनुवर्ती और पूर्व वर्ती। पहली बात तो ये सर ने जो बताया ये मजबूत पॉइंट, दूसरी बात इसमें ये है अनुवर्ती और पूर्व वर्ती का जो होता है और ये इसी से रिलेटेड चीज है, इसके बारे में बताया गया क्योंकि बच्चों को देखने में एक आसानी होती है इसलिए ये नया। ठीक है सर, धन्यवाद। है वो समझेगा 16, 26, 36 ये सारे हमारे पास है, तो वहाँ से जाके वो प्रकार से उठते आ सकता है। तो इस तरह से जो संख्याओं के साथ इकाई और दहाई वाला कॉन्सेप्ट है वो भी इन संख्या कार्ड से स्पष्ट हो जाएगा। और भी कई पैटर्न बन जाएंगे, कलर वाले पैटर्न हैं, संख्याओं वाले पैटर्न हैं, तो जो नवोदय वगैरह में पेपर आते हैं तो वहाँ भी फिर जब साइंस वहाँ भी इनसे हेल्प मिलेगी। इनके पास चार संख्याएं हैं, आप सर थोड़ा कॉपी रख लीजिए, आप आइए और 10 सेकंड तक इन चारों संख्याओं को देख लीजिए, आप सर को बता दीजिए संख्या सर देख रहे हैं, आप बता दीजिए और बता दीजिए चारों संख्याओं को सर देख लिया आपने, एक बार कंफर्म हो गया, एक बार और दिखा दीजिए सर चारों संख्याएं। ठीक है सर, आप उस तरफ कर लीजिए थोड़ा सर, प्लीज एक बार दोबारा देखिए संख्याओं को। अब आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या चली गई और कौन सी संख्या को उसके स्थान पर आ गई, 38 की जगह 43 आ गया, सही है सर? के लिए बहुत दुर्भाग्य ढूंढेगा उसके स्थान पर कौन सी आएगी, अभी अकेली एक नहीं, अभी एक की जगह दो बदल देंगे तो दो को सोचेगा सर, देख लीजिए जरा। ठीक है सर, आप थोड़ा आइए सर, बहुत ताली बजाती है सर करने के लिए, तो दो संख्याएं दे देना थी और सर ने दोनों संख्याओं को बना दिया। इस गतिविधि का नाम क्या है, कौन आया कौन गया, पांच संख्याएं आप देख लीजिए सर, जब आप कन्फर्म हो जाए तब आप भी कहते हैं मैंने देख लिया चीज। ठीक है सर, देखिए सर, जब जैसे कोई चेंजिंग नहीं है, कोई अंक गया नहीं, मतलब कोई संख्या गई नहीं थी सर, यथावत है, बहुत अच्छे सर। देखिए इस बार कोई नहीं बदला, को हम पकड़ेंगे, जैसे हम कहेंगे पकड़ेंगे भाई पकड़ेंगे, आप सब लोग बोल सकते हो संख्या को हम पकड़ेंगे। ठीक है सर, हाँ सर, यहाँ पे नीचे थोड़ी सी हमने संख्या डाल दी कुछ, अरे छोड़ जाएंगे सर, हाँ फिर गोल गोल घूमेंगे थोड़ा सर, इसमें सर आप तीन चार बच्चों को भी शामिल कर सकते हो, दो बच्चे तीन बच्चे चार बच्चे जितने जो है, थोड़ा सा इसमें एक घेरा बना देते हैं, जैसे सर आप लोग थोड़ा चल चलिए इसके चारों तरफ, थोड़ा सा चलते रहिए, हमें मैं बोलूँगा पकड़ेंगे भाई पकड़ेंगे, तो आप लोग कहेंगे संख्या को हम पकड़ेंगे, पकड़ेंगे भाई पकड़ेंगे संख्या को हम पकड़ेंगे, पकड़ेंगे भाई पकड़ेंगे संख्या को हम पकड़ेंगे, पकड़ेंगे भाई पकड़ेंगे संख्या को हम पकड़ेंगे, 31। देखिए इन्होंने सबसे पहले उस संख्या को पकड़ लिया, आपको एक पॉइंट मिल गया। अभी बिनी कंडीशन नहीं बने, अभी को हम पकड़ेंगे, पकड़ेंगे भाई पकड़ेंगे संख्या को हम पकड़ेंगे, पकड़ेंगे भाई पकड़ेंगे संख्या को हम पकड़ेंगे, 33 3 3
देखिए सर, संख्या कार्ड के आधार पर ये दूसरी गतिविधि है, क्या ये ठीक रहेगी बच्चों के लिए? यस सर। हम किसी गतिविधि को आप दो टीम बना के भी कर सकते हैं। अभी तो हमने राउंड करवा के किया, आप इस तरफ बच्चे खड़े कर लीजिए, पांच पांच इस तरफ कर लीजिए और बोलेंगे यही पकड़ेंगे वही पकड़ेंगे, संख्या को हम पकड़ेंगे और कौन सी टीम जो है वो सत्र को जल्दी उठा दे, वो टीम जो है उसको एक एक पॉइंट देंगे। आज दस बार में हम ये क्लियर कर देंगे। आप हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, इसलिए हम शॉर्टेज में बात करते हैं। इनका जो मेन यूज है और ये किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, किन किन कॉन्सेप्ट को ये लेवल वाइज क्लास का जो घटे दिया एक दो तीन उसके हिसाब से कैसे हम इनका यूज करेंगे, इस पर सीधे आते हैं। तो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि 54 है तो इनको वर्गीकृत कैसे किया गया। अगर किसी ने ध्यान से देखे हो या तो ध्यान से देखे भी होंगे, ठीक है, बताना चाहेंगे आप? बताना नहीं चाहेंगे, हमारा काम आशा नहीं करेंगे। इस तरीके से दिए गए पर इनका सीक्वेंस क्या है ये हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले कुछ कार्ड ऐसे होंगे इस तरीके से, एक तरफ खाली और एक तरफ होल से कार्ड। अब बच्चों से मैं पूछूंगी कि हम नेक्स्ट कौन सा कार्ड यहाँ पर यूज करेंगे, बच्चा फिर से ये वाइस करेंगे, तीन से शुरू हो रहा है, तीन से शुरू होने वाला दूसरा कार्ड घूम कर आगे ये पैटर्न बनाएंगे। इसमें तीन भी इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? रेडीमेड चिकन साफ दिया था, ये सरल वाला, ये सरल वाला इसलिए था कि हमने पहले तो फिर जब हम यहाँ ये बनाएंगे तो यहाँ बराबर हो जाएगा, तो चार चार आठ यानी हम एक्सिस को पहुंच जाएंगे, यानी हमारे पास सात बनाने के लिए चार कार्ड होंगे, इससे बच्चे जोड़ ही सीख जाएंगे और कौन मेरे बराबर। ऐसे आप और भी अंक दे दीजिए, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग अंक दे दीजिए, संख्या कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके साथ डॉक्टर कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। चार आगे रखे या तीन आगे रहेगा वो सात, ये ज्यादा में जब उनको जोड़ संख्या और वो बढ़ाते हैं तीन में चार या चार में तीन, कैसे पता चलेगा? तो हम इसमें कोई लिक्विड भर दें और इसमें खाली भर दें, तो यदि पूरा नहीं भरा तो दैट मीन्स क्या है, इसकी धारिता ज्यादा, और इसको भर के इसमें डाला तो ये पूरा भरने के बाद भी इसमें बच गया, इसकी धारिता ज्यादा। फिर इन दोनों को पढ़ें तो वैसे तो ये बड़ा दिख रहा बट कैपेसिटी किसकी ज्यादा आएगी तो ये हम करके देख सकते हैं, इन दोनों में देख सकते हैं, ठीक है, कि किसमें कैपेसिटी ज्यादा है। विशेषता जो सब में नजर आती है, ये कार्ड देख रहे हैं हम, तो कैसी नजर आ रहे हैं ये? हाँ बिल्कुल, इसमें एक तरफ सेमी सर्कल है और एक तरफ लाइन है, तो इनको हमेशा एक साथ पढ़ना है, एक तरफ ये कार्ड कुछ हमें गलत मिले हैं, इसमें ये है 10, ये गलत मिल गए हम लोगों को, जो दहाई वाले हैं ये किसी दूसरे उसकी आ गए, और इकाई वाला है जैसे ये नौ, स्थानीय मान हम कैसे समझाएंगे इसमें? जो स्थानीय मान कार्ड है इनका मुख्य उद्देश्य ये कि स्थानीय मान समझ में आए बच्चों को, समझाने के लिए क्या बता रहे हैं आप लोग, कैसे समझा रहे हैं वो ये बताएं। एक यहाँ कैसे रखा और यहाँ के बता दो,
बी और सात का बताना है तो ये दोनों अंक हटा दे तो सात का पता चल जाएगा। इस तरह से हम तीनों अंकों का और या फिर इनको हम इस तरह से नीचे को खिसका सकते हैं तीनों को। इस तरह से अगर हम पकड़ के बताएं ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे तो तीनों का स्थानीय मान अलग अलग दिखेगा। ये सात का 700 फिर उसके नीचे दो क्या है दो इसके नीचे आठ। तो स्थानीय मान कार्ड में हम लोग एक जिस तरह से पकड़ना है सेम हमेशा एक लाइन एक तरफ रहेगी और सेमी सर्कल दूसरी तरफ। इस तरह से हम स्थानीय मान कार्ड से बच्चों को स्थानीय मान सिखा सकते हैं। ब्लॉक सबसे सरल चीज दिख रही है शायद इसमें पूरे गणित किट में और इससे छोटे से छोटे बच्चे इससे खेल सकते हैं। खेलने में करते क्या है वो इनका जोड़कर कुछ बनाते हैं नया। इनको एक दूसरे में वो अगर हम किसी को भी दे दें बच्चों को तो इनमें ये जोड़ना निश्चय शुरू कर देते हैं एक से दूसरे में। ये नहीं है किस तरह का डिजाइन बन रहा है इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन वो जोड़ते जरूर हैं। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां इनसे बन जाती है। पहला इनका फायदा है ये सही है। नौ खाने दे रहे हैं और हम आपसे ये कह रहे हैं कि इन खानों में एक से लेके नौ तक के इस प्रकार के अंक लिख दो कि किसी भी लाइन को जोड़ें तो उसका टोटल सेम हो। चाहे हम ऐसे में जोड़ें चाहे ऐसे में जोड़ें चाहे ऐसे में जोड़ें चाहे ऐसे में जोड़ें और एक से लेके नौ तक के अंक सारे उसमें समाहित हो जाए यानी कोई अंक डबल वाले भी ना हो कोई छूटे नहीं। आप लोग क्या बोलिए और टोटल ना ना क्या जो टोटल भी हो रहा था सही लास्ट में 15 हुआ। आप लोग एक बार और बोल रहे हैं 10-11 हुआ है 15 हाँ 15 हो रहा है सर हो रहा है 15। आप ऐसे में जोड़ लें ऐसे में जोड़ लें सब सब 15 हो गया सर जी। क्या हो गया F से फिर F A D F से फिर अब इसमें आप नंबर निकाल दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर निकाल दी। एच माने कितना हो जाएगा एक। ई माने दो बी माने तीन इस प्रकार से उसकी नंबरिंग हो जाएगी। अब जैसे ही हमने ये नौ खानों का बॉक्स बनाया हमने यहाँ से आप लिखना शुरू कर दें कैसे लिख दें इसको चाहे यहाँ से ऐसा भेजा हो चाहे यहाँ से ऐसा भेजा बस रहेगा उसका क्रम याद देना ए के बाद बी बी के बाद सी सी के बाद डी डी के बाद ई इसके बाद एफ इसके बाद जी एफ यहाँ पे आई। आप यहाँ से भी ले जा सकते हो ऐसा नहीं कि यहीं से ले जाना बस रहेगा लेकिन चाहे ऐसा घुमाए चाहे क्लॉक वाइज है एंटी क्लॉक वाइज इसमें कोई दिक्कत नो सर। अब ए ए बीस कितना है ए बात देखिए ए की जगह कितना लिखेंगे बी की जगह थ्री सी की जगह फोर कितना है फोर एफ की जगह वन आई की जगह फाइव बी की जगह नाइन जी की जगह सिक्स F की जगह सेवन सेवन और E की जगह टू। अब जरा हमें जोड़ के बताइए कहीं किसी में ऐसा तो नहीं है कि कम ज्यादा हो रहा हो नहीं सर सही है इसमें जोड़ के बताइए 8, 3, 11, 4 कितने हो जाएंगे 15 1, 5, 6, 9 कितने हो जाएंगे 15 6, 7, 13 और कितने हो जाएंगे 15 आप कैसे जोड़ लीजिए 8, 9, 6 15 3, 5, 8, 7 15 4, 9, 13 और 2 15 कैसे जोड़ 8, 5, 13 और 2 15 कैसे जोड़ 4, 5, 9, 6 15 ये कक्षा 5 का सवाल था लेकिन पुरानी किताबों में था अब क्योंकि बहुत देर से हम जूनियर हाई स्कूल में गणित पढ़ा रहे हैं तो हमें पता नहीं अब है क्या नहीं बहुत ही अच्छा अब
आपको। गांव में हम लोग देखते हैं बेटियों को खेल भेज देते हैं, घर पे रखते हैं। ये गीत स्पेशली लिख लिया था और मैंने अपने क्लास में भी सुनवाया था। अम्मा मुझको खेत न भेजो, मुझे अभी तो पढ़ना है। अम्मा मुझको खेत न भेजो, मुझे अभी तो पढ़ना है। सबके तन में चलना है, आगे आगे बढ़ना है। राजू जाए कल्लू जाए, मुझे भी अम्मा पढ़ना है। सबके संग में चलना है, आगे आगे बढ़ना है। अम्मा मुझको खेत न भेजो, गांव के सरकारी स्कूल में चल के नाम लिखाओ ना। सब जाते हैं पढ़ने अम्मा, मुझको भी तो पढ़ाओ ना। नई भारत लिखना मुझको, एक इतिहास बिगड़ना है। नई भारत Oh, 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 oh
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशु चौरसियास TLM। तो अभी आप देख रहे हैं कुछ फोटो यादों के एल्बम से। आपको पता है ना कि मुझे फोटो और मेमोरीज कलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो मैं अपनी सारी फोटोज कलेक्ट करके यूट्यूब पर डाल देती हूँ। आप हमेशा ही देखते होंगे लास्ट में वीडियो के बाद कि मैं कुछ फोटो यादों के एल्बम से ज़रूर डालती हूँ। तो आज हमारी गणित किट प्रशिक्षण का जो था वो तीसरा दिन था, आज लास्ट डे था। तो आज का जो सेशन था बहुत ही एनर्जेटिक रहा। शुरुआत हमारी प्रीति मैम ने की थी सरस्वती वंदना से, उसके बाद अभियान गीत हुआ नवीन सर के द्वारा, फिर प्रतिवेदन दिया गया रेखा मैम के द्वारा, और नवीन सर की जो टीम थी कलाम समूह करके उन्होंने अपनी टीम का नाम रखा था, तो उसने तो भाई आज सदन में समा बांध दिया। इतना शानदार प्रतिवेदन हमने पहले कभी नहीं देखा था, कि हम लोगों ने देखा था प्रतिवेदन को केवल कागज में लिख करके देना, पर उन्होंने जो मूर्त वस्तुओं के साथ प्रतिवेदन जो जो सदन में हुआ था द्वितीय दिवस में, जो उन्होंने प्रस्तुत किया बहुत ही शानदार था। और उसके बाद फिर हमारी चतुर्वेदी मैम के द्वारा एक भारत वंदना शुरू की गई, और वो वंदना भी बहुत ही अच्छी थी उनके द्वारा गाई गई है। आप यदि वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको लिरिक्स थोड़े थोड़े सुनने को मिलेंगे। वीडियो बहुत ही बड़ी हो रही थी, तो सब कुछ शूट कर पाना और उसको रिकॉर्ड कर पाना और ऐसे डाल पाना थोड़ा सा मुश्किल था कलेक्टिव वे में, तो हो सकता है मैं उसको अलग अलग करके डालूं। और आज का जो हमारा सेशन था बहुत ही अच्छा रहा। हमारे संदर्भ दाता ने जो कुछ भी हमें सिखाया है वो सारा का सारा ज्ञान लेकर हम आज सदन से निकले। गणित किट का इतने अच्छे से उन्होंने यूज बताया कि शायद हमने पहले नहीं सोचा था कि इतनी सारे मटेरियल को हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अब वो सारी चीजें हम अपने बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे विद्यालय में जाके, और आपको भी बताऊंगी मैं अगले वीडियो में कि गणित किट में क्या क्या मटेरियल निकला है और उसका यूज हमें कैसे कक्षा शिक्षण में करना है। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है जिससे सारी अपडेट आपको मिलती रहे, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करना है। और बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।